बच्चों के नियमित मॉनिटरिंग, उनका वजन करना, उनको खान पान पोषण की जानकारी देना, और जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण कराकर, यदि बच्चा पोषण पुनर्वास केंद्र पर भर्ती करने लायक है तो उसे वहाँ पर भर्ती करा करके 14 दिन रखा जाता है। इसी बिंदु को लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया कि जो मॉनिटरिंग हुई उसकी सूची नहीं प्रस्तुत की गई लोगों द्वारा। तो ये मॉनिटरिंग का ही पार्ट है और जागरूकता ही फैलाने की बात है जिसके द्वारा कुपोषण दूर किया जा सकता है। बेड 10 हैं पर बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने जो है दूसरे पीडिया वार्ड से बेड लेकर के उनको किया है, एडमिट किया है कि बच्चे जो भी आएँ उनको सही से, जहाँ तक जो आ जाते हैं उनको सही से इलाज किया जाए। तो उसके लिए हम लोग उनको एडमिट करते हैं, 14 दिन के लिए एडमिट करते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जैसे जो माल न्यूट्रिशन सैम में आते हैं, सब एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है। तो जैसे जनजात से बहुत से बच्चे 2.5 किलो एवरेज वेट होता है, उससे 2.5 किलोग्राम उससे कम में पैदा हुए, फिर उसके बाद उनको जो या नॉर्मल भी पैदा हुए बाद में जो आफ्टर डिलीवरी उसके बाद में उनको जो सही से खाना पीना नहीं मिलने की वजह से कुपोषित हो जाते हैं वो।